ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल के अन्य पदों पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। सूत्रों ने मिरन आओ को बताया है कि इस बार बिहार में दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद के नाम पर चर्चा जोरों पर है। आइए आपको सुनाते हैं कि इन नेताओं का क्या कहना है। Well, I'm being joined by Tarkishore Prasad, who's been elected as the leader of the legislature, BJP legislative party. Sir, सबसे पहले हम आपको बधाई मिलेगा तो धन्यवाद। देखिए, एक कार्यकर्ता को दायित्व तो मिला है, संसदीय दायित्व है, और विगत 15 वर्षों से अलग अलग दायित्वों का निर्वहन बिहार विधानसभा में करते रहे हैं, और इस बार भी जो दायित्व मिला उसका बेहतर ढंग से करेंगे। आप कटिहार से विधायक लगातार आए हैं, पार्टी के लंबे समय से आप संगठन में भी रहे हैं, क्या लगता है पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है? हाँ, निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी दी है और उसका निर्वहन करेंगे, बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे। जो विधानमंडल दल का नेता होता है, देखा गया अमूमन वही उप मुख्यमंत्री रहता है, और आप कि आप रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। कहा जा रहा है यूपी मॉडल होगा, दो उप मुख्यमंत्री होंगी, एक आप होंगी, एक रेणु दीदी। देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, वो इस सारे मामले को देख रहे हैं, फिर जैसा उनका निर्देश होगा फिर क्या जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसका निर्वहन करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से करते ही रहे हैं, विगत लगातार 15 वर्षों से करते रहे, उसके पहले सांगठनिक दृष्टि से भी करते रहे। क्या पार्टी के आला नेताओं को धन्यवाद देंगे जिन्होंने आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी? निश्चित रूप से सबके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया, और यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हम सभी एक कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के नाते जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको हम बखूबी निभाते हैं। भाजपा का यह कल्चर है सेवा का, और हम लोग सेवा भाव से ही काम करते हैं। जब तक हमारी पार्टी का आदेश नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं। पार्टी का लेने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, पार्टी का जो आदेश होता है उसको हम लोग मानते हैं। हम तो भाई को अभी भी आग्रह करेंगे, क्योंकि भाई लोगों ने ही हम लोगों को उंगली पकड़ के सिखाया काम करने के लिए। हम लोग भी साथ में 31 साल से काम कर रहे हैं, एक बड़े भाई छोटी बहन के नाते सभी के साथ काम करने का मौका मिला है। हम लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जरूर रहें, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। और डिप्टी सीएम पद को लेकर जहां एक ओर कयासों का दौर जारी है, वहीं एनडीए ने सुशील कुमार मोदी को लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है। वहीं सुशील मोदी ने अपने ट्वीट से सस्पेंस को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी और संघ परिवार ने उन्हें 40 साल के राजनीतिक जीवन में बहुत कुछ दिया जो उन्हें कोई और शख्स नहीं दे सकता था। उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे पूरा करेंगे। और साथ ही सुशील कुमार मोदी ने लिखा कि उनसे पार्टी कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। श्याम सुंदर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर बिहार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे श्याम से। मगर जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लगातार डिप्टी सीएम का जो पद है वो एक तरीके से उस पर सस्पेंस बना हुआ है बिहार में। रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद के नाम इस वक्त रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर, आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ भी एनडीए की तरफ से नहीं कहा गया है और ना ही कोई ऐलान भी किया गया है। आपको ये भी बता दें कि कल सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी उसका जवाब दिया था, जिससे साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी को फिर से डिप्टी सीएम का पद तो नहीं मिलने वाला है। मगर अब डिप्टी सीएम का पद किसे दिया जाएगा ये अभी तक साफ नहीं है। दो नाम है जो कि अभी इस समय सामने आ रहे हैं। एक नाम है रेणु देवी का, जो कि एक एमएलए हैं, और साथ ही साथ तारकिशोर प्रसाद जो कि सीमांचल से आते हैं, और उनका भी नाम काफ़ी इस वक्त आगे चल रहा है। श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़े हैं और ज़्यादा जानकारी लेकर। श्याम, तो काफ़ी घंटों के बाद भी अभी भी डिप्टी सीएम को लेकर जो सस्पेंस था वो बरकरार है, अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कौन बिहार का अगला उप मुख्यमंत्री होगा। क्या आपके सोर्सेस क्या आपको बता रहे हैं, कुछ साफ हो पाया है कि रेस में कौन आगे है? देखिए, दरअसल ये बताया जा रहा है कि इस बार बिहार में कहीं ना कहीं यूपी मॉडल के तहत दो उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो नाम सामने आ रहा है वो तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुमारी का आ रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद चार बार के विधायक हैं, कटिहार से विधायक हैं, लंबे काल से विधायक रहे हैं, पार्टी के एक निष्ठावान सिपाही हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो रेणु देवी हैं वो बहुत पुरानी पार्टी से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है, पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही थी जब अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बिहार सरकार में मंत्री भी रही हुई है, और वो बेतिया से जीत के आती है, चंपारण इलाके से। दरअसल अगर दोनों बिहार के कास्ट सिचुएशन को देखा जाए तो किशोर प्रसाद जो है वो बनिया कम्युनिटी से आते हैं, और
और रेणु कुमारी जो है वो उन्होंने नोनिया समाज चाहती है जो अति पिछड़ा में है, तो कहीं ना कहीं पार्टी एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है कि पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है और जो अति पिछड़ा है ईबीसी है, उन दोनों को महत्व देने की एक प्रयास की जा रही है। और इसी के तहत कहा जा रहा है इस बार बिहार में भी बैलेंस करते हुए दो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दरअसल कहा जा रहा है तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुमारी से हमने पूछा भी कि अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो उन पर साफ कहना था कि पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी देती है हम उसका निर्वाहन करेंगे और हम पार्टी के लिए हमेशा सदा काम करते रहेंगे। लेकिन एक चीज तो साफ है कि सुशील मोदी अब उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कल उनकी उनका कल ये पार्टी की तरफ से एक तरीके से साफ कर दिया गया था कि पार्टी कोई नया चेहरा लाएगा, और कहा जा रहा है जो सोर्सेज बताते हैं कि दो नए चेहरे होंगे जो रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद ही होंगे। जी बिल्कुल श्याम, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और एनडीए ने नीतीश कुमार को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया है। नीतीश आज शाम 4:30 बजे पटना में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रविवार के दिन नीतीश ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था।